हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिंदास मार्केट ऑफ स्टॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही गुड न्यूज़, बहुत ही अपडेट आई हुई है शेयर के बारे में, जिसके बारे में हम इस कंपनी में बात करेंगे। और जिन लोगों का इस कंपनी में पैसा फंसा हुआ है उनको क्या करना चाहिए, वीडियो को एंड में मैं आपको बताऊँगा। और एंड में इसलिए बताऊँगा क्योंकि उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा, तभी आपकी अच्छे से समझ में आएगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है लेकिन देखते हैं, दिल से शुक्रिया, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो भी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको बताइए वोडाफोन आइडिया कंपनी करती क्या है। जैसा कि आप सबको पता है, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा है और कंपनी प्रॉफिट भी कमा के नहीं दे पा रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, नेट प्रॉफिट देखोगे माइनस में चल रहा है। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं कंपनी में, माइनस में चल रहा है। रिजर्व की बात करते हो तो कंपनी के पास 81,421 करोड़ का माइनस में रिजर्व है और बोरोइंग है 2,07,342 की बोरोइंग है। ठीक है, कर्जा बहुत ज़्यादा है। और कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो मार्केट कैप देखो कितना, केवल 28,563 करोड़ का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रमोटर्स के पास जो हिस्सेदारी है 71% से 72% है। बाकी डीआई वालों ने थोड़ा सा माल और एफआईआई और डीआई वालों ने माल घटा दिया था, लेकिन अभी भी उनके पास हिस्सेदारी है, बाकी पब्लिक की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो इस चीज़ से मैं आपको बता दूँ एक चीज़। देखो, जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जिन भाई का, जिन सर का पैसा फंसा हुआ है इसमें, उन्होंने देखा कि अभी प्रमोटर्स के पास काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी है। ठीक है, जब तक किसी कंपनी के प्रमोटर्स हैं किसी कंपनी में, तब तक आपको उस शेयर को होल्ड करना चाहिए। अगर प्रमोटर्स कंपनी के शेयर को बेच के निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आपको भी शेयर बेच के निकल जाना चाहिए। लेकिन अभी इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी है, और जब तक प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है तो एक उम्मीद होती है कि हाँ, ये कंपनी जो है अभी आगे प्रॉफिटेबल बन सकती है। क्योंकि जब तक मालिक हैं तो कंपनी को कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कंपनी के बिजनेस को दोबारा खड़ा करने की, कंपनी को बोरिंग कम करने की, कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने की, क्योंकि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अभी काफ़ी है। सो उनको भी अभी होल्ड करना चाहिए कि उम्मीदीकरण अभी है, बाकी सेल करने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी आपका पैसा काफ़ी लॉस में जा चुके हो। जहाँ से देखो 80% का लॉस बुक करके निकल जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो आपका कैपिटल तो ख़त्म होने ही वाला है लगभग। सो इसलिए आपको क्या करना है, आपको होल्ड करना है। जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ पर न्यूज़ भी आई है, वोडाफोन आइडिया शेयर होल्डर अप्रूव 14,500 करोड़ फंड रेज, 14,500 करोड़ का फंड रेज करेंगे। तो उससे क्या है, कंपनी का कुछ ना कुछ बिजनेस सुधारेंगे, कर्ज कम करेंगे, प्रॉफिटेबल बनाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है, कंपनी अपने आप को सुधारने की कोशिश में लगी हुई है, इसलिए आपको होल्ड करना चाहिए। यही एक गुड न्यूज़ थी आपके लिए जो कि मैंने आपको दे दी, अपडेट्स कर दी। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पास शेयर कितने हैं और आपने होल्ड करने वाले हो या नहीं। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और ताकि आपको लर्निंग मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ और थैंक्स फॉर वॉचिंग।